हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की वीडियो में बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रुपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और ग्रुपिंग होती क्या है। तो देखिए, ग्रुपिंग बेसिकली जब हम करते हैं ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो जब ग्रुपिंग चीजों की होती है तो वो चीजें जो है हमें विजुअली काफी अच्छी दिखती है और डिजाइन जो है आपको काफी रिच जो है वो दिखता है और काफी अच्छे तरीके से जो एक्सप्रेस होता हुआ दिखता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि ग्रुपिंग एक्चुअली हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक हाई पॉइंट को क्रिएट करने के लिए बिग प्लांट या फिर कट फ्लावर का यूज कर सकते हैं। एक वेटी पॉइंट को क्रिएट करने के लिए सच एज राउंड वेज या फिर एक बाउल, सम अदर विजुअली हैवी ऑब्जेक्ट का यूज आप यहां पर कर सकते हैं। फोकस पॉइंट को आप क्रिएट कर सकते हैं आप मेन कैरेक्टर में, और समथिंग ऑर्गेनिक और इरेगुलर आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ आप नेचर से ले सकते हैं, कुछ नेचुरल मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं और सिरेमिक पीसेस ले सकते हैं, फिर आर्टवर्क का यूज कर सकते हैं। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए सच एज आप बुक्स लाइंग फ्लैट का यूज कर सकते हैं, आप बॉक्सेस या फिर ओवल डिशेस का यूज कर सकते हैं। और वर्टिकल लाइंस के लिए आप कुछ टॉल यूज कर सकते हैं, कुछ स्लिम ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका कैंडल स्टिक्स का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट्स का यूज आप इसमें कर सकते हैं, लाइक आपका प्रीटी स्टोन हो गए, आपका शेल हो गए। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट करते हैं अदर आपकी चीजों को इंटीरियर्स में। तो जैसे कि स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ना, अभी जो मैंने ग्रुपिंग के बारे में बात करी थी, तो सबसे पहली फोटो को आप देखिए, तो इसमें लिखा हुआ क्लियरली डोंट लाइन थिंग्स अप इन द स्टिल लाइफ। तो एक लाइन में आप सेम अगर आप चीजों को रख कर आप ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हो तो ये डेफिनेटली बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे हैं, तो थिंग्स को आप ग्रुप अगर इस तरीके, जो सेकंड फोटो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और अगर आप ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से करते हैं जो कि थर्ड है, ये सबसे बेस्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का आप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका साइज और शेप दोनों को ही आप साथ में लेकर के जो है आपने ग्रुपिंग कर रखा है। तो इसका मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो सोफा के आगे जो टेबल्स हम यूज करते हैं, तो टेबल जो है आप डिफरेंट डिफरेंट शेप की या फिर एक ही शेप लेकर के उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, मतलब हाइट में थोड़ा बहुत वेरिएशन और साइज में वेरिएशन, तो इस तरीके से हम जो यूज करते हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए जो हम उसको ग्रुपिंग करते हैं और एक विजुअली एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब अगेन ये जो नेक्स्ट फोटो देख रहे हैं, अब देखिए इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट जो यूज हो रहे हैं, देखिए एक तो शेप डिफरेंट है और इसमें देखिए कि आप ना थोड़ा सा इसमें ओवरलैप हो रखा है, कुछ जो है वो जो बीच वाला सेक्शन है वो दो पोर्ट्स के पीछे जा रखा है और आगे वाले जो दो पोर्ट है वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो आप जो है ओवरलैप करने के बारे में भी सोच सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने बात करने की डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और शेप का यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं ग्रुपिंग में, जैसे कि आप वुड हो गया, वुड के साथ मेटल यूज कर दिया, ग्लास यूज कर दिया, तो ये भी काफी अच्छा तरीका है ग्रुपिंग करने का। फिर इसी के साथ साथ ही हाई के साथ लो यूज कर सकते हैं, मैट के साथ ग्लॉस यूज कर सकते हैं, हार्ड के साथ आप सॉफ्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप एक वेरिएशन डाल सकते हैं ग्रुपिंग के द्वारा। और इसी के साथ साथ ही आप जो ऑड नंबर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3, 5, 7 इस तरीके से। ऑड नंबर रूल के बारे में भी ऑलरेडी मैंने इस सीरीज में मैंने बात कर रखी है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों, जैसे मैंने अभी ओवरलैपिंग के बारे में बात कर दी, तो अगर ऑब्जेक्ट्स को आप ओवरलैप की तरह यूज करते हैं तो ओवरलैपिंग में एक यूनिटी वाली फील जो है आपको डेफिनेटली मिलती है। अब दोस्तों, इंटीरियर्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऑर्गेनाइज करने के ना कुछ डिजाइनर्स के कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला ट्रिक है चेंजिंग द लेवल। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप टेबल यूज करते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट का जो है आप यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का यूज कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल डिजाइनर्स भी यूज करते हैं। फिर सेकंड जो ट्रिक है वो है ओवरलैपिंग। तो आप ओवरलैपिंग करने के बारे में जो है आप सोच सकते हैं, तो इसमें आपको स्ट्रेट लाइन में जो चीजों को यूज नहीं करना, आप जब भी आप ऑब्जेक्ट को आप डिजाइन करते हैं या फिर रखते हैं साथ में, तो आपको ओवरलैपिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। फिर थर्ड ट्रिक है जिसमें आपको ध्यान रखना है डेप्थ के बारे में। तो डेप्थ बेसिकली आपको थ्री डायमेंशनल सोचना होता है, आपको फ्रंट का भी सोचना, आपको बिहाइंड का भी सोचना और मिडल का भी सोचना है। तो इस तरीके से जो है आपको थ्री डायमेंशनल चीजों को जो है वो सोचते हुए चलना चाहिए। फिर फोर्थ ट्रिक है कि आप जब ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं तो आपको लेयर्स में जो चीजों को प्लेस करना चाहिए। अगर आप लेयर्स में करते हैं तो डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग जो है वो ये रहता है। और दोस्तों, लास्ट में अगर मैं सिंपल टर्म में अगर ग्रुपिंग के को मैं एक्सप्लेन करूं, तो सिंपली शो ऑफ योर कलेक्शन, आपके जो भी कलेक्शन है उसको आप किस तरीके से शो ऑफ करते हैं, तो वो जो ग्रुपिंग में जो है निकल के आता है। अब इसमें देखिए काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, आपका इसमें सिरेमिक वेसेस हो सकता है, आपके कलर्ड ग्लास हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ डेला हॉर्सेस हो सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आई कैचिंग है, तो उसको आप जो है जो प्लेस करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से जो है आपस
आपस में उसको मिला करके जो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो आज की वीडियो में बात। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, तो वहां पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।